नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेड गुरुकुल चैनल में। दोस्तों जैसा कि अभी हमें पता है कि कोरोना वायरस के कहर से वर्ल्ड इकोनॉमी पे काफी असर पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये समय घबराने का नहीं है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज 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 इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने ना दें। दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट या तो SIP के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हर महीने आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट किए जाएंगे, या तो अगर आपके पास में कुछ अमाउंट ऑलरेडी है जैसे 5,000, 10,000, 20,000, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आने वाले कुछ महीनों में लमसम अमाउंट के जरिए इन्वेस्ट करें। दोस्तों SIP इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए चार अलग अलग कैटेगरी से पांच चुनिंदा फंड्स लेकर के आया हूं, जिसमें कि आप SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में उस फंड्स के सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उन फंड्स के ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैंने उस फंड को क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उस फंड को सेलेक्ट करने का असली रीजन क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला फंड लार्ज कैप कैटेगरी से है दोस्तों, जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो चलिए इस फंड का एनालिसिस करते हैं। इस फंड की NAV यानी कि इस फंड के एक यूनिट का दाम 29.57 रुपीज़ है। और इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि NAV ज़्यादा हो या कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमें बस इसके परफॉर्मेंस को चेक करना है। इसकी NAV परफॉर्मेंस ग्राफ को देखते हैं तो पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है और अच्छी रही है। इसका लॉन्च डेट 5 जनवरी 2010 है, इसका मतलब ये फंड पिछले 10 साल से मार्केट में है और इसने मार्केट के सभी उतार चढ़ाव को देखा है। जब हम इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स को देखेंगे तब हमें ये पता करने में आसानी होगी कि इसने मार्केट के अप डाउन्स को कैसे फेस किया है और कितना रिटर्न जनरेट किया है लंबी अवधि में। इसके बाद मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपए की, यानी कि हम 1,000 रुपए से इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। इसके बाद AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि आज की डेट में इस फंड के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11,824 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है, और इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ने भर भर के इस फंड में इन्वेस्ट किया है। इस फंड के मैनेजर हैं मिस्टर सुरेश देवलकर, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही फेमस नाम है, और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इस फंड को मैनेज करने का खर्चा है 0.62%, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.3% का आधा है। और दोस्तों हमें पता है कि खर्चा जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसके बाद एग्जिट लोड, यानी कि इन्वेस्टमेंट से बाहर आने का खर्चा। दोस्तों अगर आप इस फंड से 365 दिन से पहले बाहर निकल आते हैं तो आपको अपने सेल अमाउंट का 1% का चार्ज देना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके क्रिजल रैंकिंग को। क्रिजल एक म्यूचुअल फंड रैंकिंग एजेंसी है जो डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर फंड्स को रेट करती है। क्रिजल ने इस फंड को 5 out of 5 star की रेटिंग दी है, जो कि बेस्ट रेटिंग है। अब इसके होल्डिंग्स को देखते हैं तो इस फंड ने 25 डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से कि 24 लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप यानी कि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी को लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। इसने एक मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मिड कैप कंपनी यानी कि देश की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनी, और स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। परसेंटेज वाइज इस फंड ने लार्ज कैप में 75% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मेन एडवांटेज है जब मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तभी ये बड़ी कंपनी सर्वाइव कर लेंगी, और निगेटिव रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से कम होगी, इसलिए लार्ज कैप का मतलब है हाई स्टेबिलिटी और ज़्यादा भरोसा। अब इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स को देखते हैं, जो कि मैंने 1 जनवरी 2020 तक कैलकुलेट किया है, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है और उसका असर इन फंड्स पर भी दिख रहा है, इसलिए अगर इनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है तो हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर दोस्तों इसने 20.97% का बम्पर रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 3 साल में इसने 17.1% का रिटर्न दिया है।
पिछले 5 साल में इसने 15.39% का रिटर्न दिया है और हम देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर इसका रिटर्न परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। और जैसा कि हमने देखा है कि ये फंड पिछले 10 साल से मार्केट में है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसने अभी के जैसे उतार चढ़ाव को पहले भी फेस किया होगा। अब इसके रिटर्न को हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स निकाल के दिया है। इसके बाद इसके रिटर्न के बेसिस पे इसकी हिस्टोरिक कैटेगरी रैंकिंग को देखते हैं, ये फंड पिछले 5 साल से रिटर्न के मामले में टॉप पोजीशन पर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस लिस्ट के अगले फंड में चलते हैं जिसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और जो कि एक मिड एंड लार्ज कैप फंड है। दोस्तों जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की NAV 48.49 रुपीज की है। इसका लॉन्च डेट 1 जुलाई 2010 का है, यानी कि इस फंड को भी इस मार्केट में आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं। इसमें हम मिनिमम SIP 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 9614 करोड़ है, यानी कि पब्लिक ने इस पर्टिकुलर फंड में भी भर भर के पैसा लगाया है। इसके फंड मैनेजर का नाम है नीलेश सुराना, अंकित जैन। दोस्तों नीलेश सुराना बहुत जाना माना नाम है फाइनेंशियल सेक्टर में और इनको अप्रॉक्सीमेटली 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम मान सकते हैं कि हमारा पैसा आगे काफ़ी सेफ हैंड में जा रहा है। दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.98%, जो कि अपनी कैटेगरी 1.16% से कम है। एग्जिट लोड है दोस्तों इसका 1%। अगर हम इस फंड से 365 दिन से पहले बाहर निकलते हैं तो हमें 1% का चार्ज देना पड़ेगा। इसकी क्रिजल रैंकिंग दोस्तों 5 स्टार की है, यानी कि काफ़ी अच्छा फंड है ये। दोस्तों अब होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में दोस्तों 59 स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। उसमें से 24 फंड लार्ज कैप फंड हैं, 22 मिड कैप फंड हैं और 13 स्मॉल कैप फंड हैं। अब हम इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स को देखेंगे दोस्तों। एक साल में इसने 20.1% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। पिछले 3 साल में इसने 13.53% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इसने 15.73% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा है अपनी कैटेगरी में। और जब हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे, हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क से अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसा निकाल के दिया है, जो कि इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक पे जाते हैं। पिछले साल इसकी रैंक 3 थी और 3 और 5 साल पहले ये टॉप रैंक पे था। दोस्तों अब हम अगले फंड के ऊपर में चलेंगे जिसका नाम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ये एक मल्टी कैप फंड है, तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स को। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी NAV 139.11 रुपीज की है। इसका लॉन्च डेट है 8 अक्टूबर 2004, यानी कि ये 15 साल से इस मार्केट में है और एक तरीके से कह सकते हैं कि इस दौर का ये बहुत पुराना घोड़ा है। और इसमें मिनिमम SIP हम लोग 500 रुपये से कर सकते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 8264 करोड़ रुपए का है, यानी कि पब्लिक ने इस फंड में भी काफ़ी विश्वास जताया है। और इसके फंड मैनेजर का नाम है रामा अय्यर श्रीनिवास और ये अमंग टॉप फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं इंडिया में। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.88% है इसके कैटेगरी के अगेंस्ट में, जो कि 1.16% का है, यानी कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी दोस्तों अपने कैटेगरी से कम है। एग्जिट लोड दोस्तों इसका भी 1% है अगर हम 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर निकलते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग भी दोस्तों 5 स्टार की है। एक बार इसकी होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं दोस्तों, तो इसने 27 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से कि 10 लार्ज कैप कंपनियां हैं, 8 मिड कैप कंपनियां हैं और 7 स्मॉल कैप कंपनियां हैं। अब हम इसके रिटर्न्स पे चलते हैं दोस्तों। तो एक साल में इसने 19.28 का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 13.67 का रिटर्न दिया है और 5 साल में भी इसने 13.88 का रिटर्न दिया है। जब हम इसको इसके बेंचमार्क से इसको कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने भी अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है और अपने इन्वेस्टर्स को बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न निकाल के इसने दिया है। दोस्तों अब इसकी हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक को देखते हैं तो इसके रिटर्न के बेसिस पे दोस्तों पिछले साल ये 3rd रैंक होल्ड कर रहा था। 3 साल के रिटर्न के बेसिस पे इसकी रैंकिंग 2 होती है दोस्तों और पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से ये टॉप रैंक होल्ड करता है अपने कैटेगरी में। अब हम अगले फंड पे चलते हैं दोस्तों जिसका नाम है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक मल्टी कैप कैटेगरी की फंड है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी NAV 23.68 रुपए की है। इसका लॉन्च डेट 24 मई 2013 का है, यानी कि इसने भी मार्केट में 7 साल अप्रॉक्सीमेटली बिता लिए हैं। मिनिमम SIP इसकी 1000 रुपए की है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2795 करोड़ का है और इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर हैं।
और राजीव ठक्कर का दोस्तों मैं बता दूं, फाइनेंस मार्केट में मोर देन 16 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जब हम इसके एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं दोस्तों, तो इसका एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर है। एग्जिट लोड इसका दोस्तों 1% का है 365 दिन से पहले अगर हम एग्जिट करते हैं। डीजल रैंकिंग भी इसकी 5 स्टार की है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसके साथ में इसकी होल्डिंग्स की, तो हम इसके होल्डिंग्स को एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर फंड ने टोटल 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि 10 लार्ज कैप फंड है, 5 मिड कैप फंड है और 5 स्मॉल कैप फंड है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा यूनिक बात है इसकी फॉरेन इक्विटी की, जिसमें इसने 27% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम इस फंड में पैसा डाल रहे हैं तो हमारा पैसा इंडियन कंपनी में तो इन्वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन इस फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्ट होगा। इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स को देखेंगे दोस्तों, तो इस एक साल में 15%, 3 साल में 11% और 5 साल में 12% का रिटर्न दिया है। अगर इसके ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने भी अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है और इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने बेंचमार्क से ज़्यादा पैसा निकाल के दिया है। इसकी कैटेगरी रैंक देखते हैं दोस्तों, तो 1 साल में 6 रैंक पे थी, 3 साल में 3रे रैंक पे थी, 5 साल के रिटर्न को देखेंगे तो इसकी रैंकिंग 5 की है। अब अपने लास्ट फंड के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप की है। अब हम इसके टेक्निकल डिटेल्स पे चलते हैं। तो दोस्तों इसकी NAV 31.26 रुपीज़ है। इसका लॉन्च डेट 24 मई 2013 है और ये इस मार्केट में पिछले 6 साल से अवेलेबल है। इसमें हम मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है इसकी। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,507 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप के हिसाब से बहुत अच्छा एसेट है। इनके मैनेजर का नाम है अनुपम तिवारी। और जब हम इस फंड के रिटर्न्स को देखेंगे दोस्तों, तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये फंड मैनेजर ने कितना मेहनत किया इस फंड से रिटर्न्स निकालने के लिए। इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.33%, जो कि अपने कैटेगरी 1.05% का 1/3 है। इसका एग्जिट लोड भी दोस्तों 1% है अगर हम 365 दिन से पहले इस फंड से बाहर आते हैं। क्रिजल रैंकिंग इसकी 205 स्टार की है। इसके होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं दोस्तों, तो इसने 44 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से कि लार्ज कैप में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, 6 मिड कैप में है और 33 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। अब हम इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स पर चलते हैं दोस्तों, तो पिछले साल इसने 25.72% का रिटर्न दिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 26% का इस फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पिछले 3 साल में इसने 13.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इसने 13.45% का रिटर्न दिया है। और इसके जब बेंचमार्क से हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि सन 2018 में कुछ हिकअप्स थे इस फंड में, क्योंकि उस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जब इस फंड ने स्पीड पकड़ा, तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बेमिसाल रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब दोस्तों इसकी हिस्टोरिक रैंकिंग देखते हैं, तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये हमेशा टॉप रैंक पर ही काबिज रहा है। तो दोस्तों ये थे 5 फंड्स जिन्होंने लंबी अवधि में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और जिनके ऊपर में इन्वेस्टर्स ने काफी भरोसा जताया है, क्योंकि ये फंड्स काफी लंबी अवधि से मार्केट में हैं। तो अभी जिस हिसाब का मंदी आया हुआ है मार्केट में, तो इस टाइप के अप एंड डाउन्स इन फंड्स ने ऑलरेडी देख रखा है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस चैनल के कॉन्टेंट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।